नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान में इस बार लोकसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जहां कड़ा मुकाबला है। हाल ही में आए एग्जिट पोल में भले ही बीजेपी अपनी पुरानी सफलता दोहराने में अक्षम रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी का पलड़ा राजस्थान में भारी बताया जा रहा है। राजस्थान में 5 महीने पहले सत्ता में लौटी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ बीजेपी ने राजस्थान में युवा मतदाताओं पर काफ़ी फोकस किया और उसका काफ़ी हद तक असर भी राजस्थान में देखने को मिला है। जहां एक ओर राजस्थान में अलवर लोकसभा सीट और कोटा लोकसभा सीट राजस्थान में अहम बन चुकी है। इसकी वजह खुद कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव है। दोनों ही सीट काफ़ी खास बनी हुई है, यहाँ पर भी काफ़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब आइए तो 4 जून के नतीजे तय कर पाएंगे कि कौन होगा जो इस सीट से दिल्ली तक का सफर तय कर पाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। हाल ही में आए एग्जिट पोल में कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर राजस्थान में कड़ा मुकाबला है और ऐसी ही लोकसभा सीट अलवर लोकसभा सीट भी है, जहां से अलवर लोकसभा सीट पर महामुकाबला यादव बनाम यादव के बीच में है। यहाँ इस चुनाव में मुख्य मुद्दा स्थानीय बनाम बहारी का रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को बाहरी करार देते हुए स्थानीय युवा नेता ललित यादव को आगे किया है। भूपेंद्र यादव राजस्थान के अजमेर से ताल्लुक रखते हैं। यहां मतदाता बेरोजगारी, पानी की कमी और खराब बुनियादी ढांचे जैसी अनसुलझे स्थानीय समस्याओं को लेकर नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। मतदाताओं की इस असंतोष के बीच बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय उपलब्धियों को उनके आगे रखा, जबकि कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दे और जातिगत फैक्टर पर खासा फोकस किया। वहीं अलवर से पहले भी कांग्रेस को बड़ा झटका लग चुका है, जहां बीच में अलवर में इसका फेवर बीजेपी के साथ रहा था, क्योंकि कांग्रेस के कुनबे में अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा हो गया था, जहां कांग्रेस ने यहां नए चेहरे के रूप में मंडावर विधायक ललित यादव को चुनावी मैदान में उतारा तो यहां के पार्टी के दिग्गज और वरिष्ठ नेता डॉक्टर करण सिंह यादव नाराज हो गए, जिसके लिए उन्होंने राहुल गांधी के करीबी और अलवर के पूर्व राज घराने के सदस्य भंवर सिंह जितेंद्र को आड़े हाथ लिया। इसके बाद यहाँ का मामला फैल गया और जिसके बाद यहाँ से मामला इतना फैल गया कि डॉक्टर करण सिंह ने चुनाव से पहले यहाँ से कांग्रेस को टाटा बाइक बाइक कह दिया और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे कांग्रेस को यहाँ से बड़ा झटका लग गया और वहीं ये बात बीजेपी के लिए खासी राहत वाली रह गई। राजस्थान की दूसरी अहम सीटों की बात करें तो कोटा बूंदी भी उसमें शुमार है, जहाँ कोचिंग सिटी के रूप में देश भर में प्रसिद्ध कोटा लोकसभा सीट से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तीसरी बार चुनावी मैदान में है और यहां से कोटा दक्षिण से 3 बार विधायक रह चुके और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए प्रहलाद गुंजल का मुकाबला ओम बिरला से है। प्रहलाद गुंजल कोटा उत्तर से विधायक रह चुके हैं और पार्टी में ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल एक साथ भी पहले रह चुके हैं, लेकिन दोनों आपसी में काफ़ी धुर विरोधी माने जाते हैं। राजस्थान की दूसरी अहम सीटों की बात करें तो कोटा बूंदी भी उसमें शुमार है, जहां कोचिंग सिटी के रूप में देश भर में प्रसिद्ध कोटा लोकसभा सीट से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तीसरी बार चुनावी मैदान में है और यहां से कोटा दक्षिण से 3 बार विधायक रह चुके और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए प्रहलाद गुंजल का मुकाबला ओम बिरला से है। प्रहलाद गुंजल कोटा उत्तर से विधायक रह चुके हैं और पार्टी में ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल एक साथ भी पहले रह चुके हैं, लेकिन दोनों आपसी में काफ़ी धुर विरोधी माने जाते हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।